नमस्कार, मैं हूँ रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार में मालवा के शहनशाह कमाल मौलाना उद्दीन चिश्ती रहमत अली का 687वां उर्स आज से आरंभ हुआ। इस उर्स में देश के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं। चादर के जुलूस में कव्वालों ने अपने अपने कलाम पेश किए। चादर का जुलूस कमाल मौलाना परिसर पहुंचा, वहां पर दरगाह पर चादर पेश की गई। इसी के साथ हिंदुस्तान की तरक्की, उन्नति, शांति, समृद्धि के लिए दुआ भी अदा की गई। यह उर्स सूफी संतों की परंपरा को कायम किए हुए है। इसी के साथ यहाँ व्यापारिक मेला भी लगता है। इस उर्स में देश के मशहूर कव्वाल 4 दिन तक अपना कलाम पेश करेंगे। वहीं यहाँ व्यापारिक मेला भी लगता है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। शहनशाह मालवा हजरत ख्वाजा मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 687वां उर्स आज शुरू हुआ है। ये 20 से 24 तारीख तक रहेगा उर्स। बाबा सुलह आम के प्रवर्तक रहे हैं। इस दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जात पात का कोई भेद नहीं है और सभी धर्म के लोग बाबा के अनुयायी हैं और सभी धर्म के लोग यहाँ अपनी मुरादें लेकर आते हैं और बाबा की मेहरबानियों से उनकी दिली तमन्नाएं पूरी होती हैं। 4 दिन तक उर्स का आयोजन रहेगा। रात में कव्वाली होगी। हिंदुस्तान के सभी जो पार्टियां हैं नंबर 1 की, वो सब बाबा के दरबार में अपनी हाज़िरी पेश करेंगी और देश के और मध्य प्रदेश के और अलग अलग हिस्सों के ज़ायरीन यहां पर हाज़िरी के लिए पूरे 4 दिन तक आते हैं। लंगर का अहतमाम रहता है, जिसमें चारों दिन हम वेजिटेरियन खाना बनवाते हैं। साधु संत, फ़कीर और बाबा के मेहमान जो हैं वो सब यहाँ लंगर में भोजन ग्रहण करते हैं। बाबा का जो पैगाम रहा है मोहब्बत का, उसी मोहब्बत के साथ, उसी अकीदे के साथ इस उर्स का आयोजन होता है। चादर पेश की है और क्या दुआ है? आज चादर पेश हुई है देश की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, एकता के लिए और मध्य प्रदेश में शांति, सद्भावना, एकता, मोहब्बत बनी रहे उसके लिए दुआ की गई है बाबा के दरबार में। और चादर पेश करने के साथ ही उर्स का आगाज़ हुआ है आज।